फायर सेफ्टी में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द व उनके अर्थ उदाहरण सहित। जी हाँ, फायर सेफ्टी में जब हम जॉब करते हैं तो उसमें कई ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, कई ऐसे टर्म्स होते हैं जिनका प्रयोग होता है, तो वह सब हमें जानना जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि यदि हम वह नहीं जानेंगे तो हमें कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं एक एक करके फायर सेफ्टी में वह कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है कुछ विशेष समय के लिए, कुछ विशेष अवस्थाओं के लिए, और वह सभी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं वह भी हम देखते हैं एक एक करके। आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं। सबसे पहला जो आ रहा है, टर्म आ रहा है, वह आ रहा है पीयर ग्रुप प्रेशर। क्वेश्चन हो सकता है पीयर ग्रुप प्रेशर क्या है, किस समय के लिए प्रयोग किया जाता है और इसके लिए क्या आवश्यक है। इर्गोनोमिक्स क्या है, क्या वास्तव में इर्गोनोमिक्स जो होता है वह फायर और सेफ्टी के बीच की कड़ी है या कुछ और है। कॉम्पिटेंसी क्या है, कॉम्पिटेंसी के लिए किन किन बातों का होना जरूरी है और सही मायने में कॉम्पिटेंसी किस अवस्था को दर्शाता है। फायर मार्शल, फायर मार्शल कौन है, कौन हो सकता है और फायर मार्शल की कार्य क्या होते हैं। फायर वार्डन कौन है। फिर वर्क पैटर्न, वर्क पैटर्न यह टर्म किस संदर्भ में यूज किया जाता है, कब प्रयोग किया जाता है, वास्तव में इसका मकसद क्या होता है। और जॉब फैक्टर्स, अक्सर यह वर्ड भी यूज किया जाएगा जब आप ड्यूटी में होंगे, जब आप नौकरी कर रहे होंगे तो जॉब फैक्टर्स हमेशा आएंगे। जॉब फैक्टर्स रीजन, जॉब फैक्टर इन्फ्लुएंस, जॉब फैक्टर टर्म्स, ठीक है, जॉब फैक्टर प्रॉब्लम्स, ये तमाम तरह की बातें आएंगी। आखिर वास्तव में ये जॉब फैक्टर है क्या, इस चीज को जानेंगे। फिर आता है अगेन की हम बात करें लेवल ऑफ सुपरविजन, लेवल ऑफ सुपरविजन किस समय के लिए प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। वर्कर मॉरल क्या है, वर्कर मॉरल, दो यहाँ पे वर्ल्ड मिलकर के ये टर्म्स बना हुआ है, तो आखिर इसका वर्कर मॉरल ही क्यों प्रयोग किया जाता है, क्यों नहीं कुछ और प्रयोग किया जाता है, तो जानेंगे। इन सभी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे यदि आप ड्यूटी में हैं या कहीं भी, ये आपको और भी इम्प्रूव करेगा और भी बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं कि वास्तव में ये क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीयर ग्रुप प्रेशर क्या होता है। पीयर ग्रुप प्रेशर के बारे में अगर इसको इसका डेफिनेशन देखा जाए तो पीयर ग्रुप प्रेशर के लिए, तो किसी साइट पर कार्य करते समय समय साथ में कार्य कर रहे किसी सहकर्मी की वजह से उत्पन्न हुआ प्रेशर या तनाव पीयर ग्रुप प्रेशर कहलाता है। ठीक है, पीयर ग्रुप प्रेशर का टर्म उस समय यूज किया जाएगा जब आप कभी काम कर रहे हो, किसी साइट पर काम कर रहे हो, आपके साथ और लोग भी काम कर रहे हो, उनके वजह से किसी न किसी इथिकल वे में, नैतिक वे में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है, किसी तरह का तनाव उत्पन्न हुआ होता है, तो इस तरह के सिचुएशन के लिए पीयर ग्रुप प्रेशर टर्म्स का यूज किया जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यह टर्म कार्य के दौरान, जी हाँ, यह टर्म कार्य के दौरान आए हुए तनाव के लिए ही प्रयोग किया जाएगा, दूसरे तनाव के लिए या प्रेशर के लिए नहीं किया जाता है। तो यह बात भी याद रखें। अब आप समझ गए होंगे कि पीयर ग्रुप प्रेशर टर्म्स जो है किस स्थिति को दर्शाता है। आगे चलते हैं, दूसरे टर्म को जानते हैं, इर्गोनोमिक्स। ये अक्सर शब्द आपने सुना होगा, इर्गोनोमिक्स अक्सर ट्रेनिंग में, चाहे हर जगह जब भी आता है ये वर्ड प्रयोग किया जाता है। वास्तव में एक्चुअली इसका अर्थ क्या होता है, अगर क्वेश्चन हो जाए व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द इर्गोनोमिक्स, वास्तविक अर्थ क्या है इर्गोनोमिक्स का, तो इसको जानने के लिए हमें यह डेफिनेशन देखना होगा, वर्कर और कार्य के आपसी संबंधों का अध्ययन। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, किसके, वर्कर, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है और वह क्या कार्य कर रहा है, इन दोनों के बीच के आपसी संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इर्गोनोमिक्स कहलाता है। अब यहाँ अध्ययन का तात्पर्य क्या है, मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि इर्गोनोमिक्स क्या है तो सीधा सा सवाल जवाब आपका होगा, वर्कर और कार्य के आपसी संबंधों का अध्ययन ही इर्गोनोमिक्स कहलाता है। ध्यान रहे, इर्गोनोमिक्स के लिए यह आवश्यक है कि कार्य और वर्कर के बीच कार्य करने का संबंध जारी हो या चला आ रहा हो। देखिए, इसके साथ साथ वह टर्म्स भी है ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो, कोई भ्रम की स्थिति ना बने। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रात को कोई व्यक्ति सो रहा है तो क्या इर्गोनोमिक सप्लाई होगा वहां पे, तो जवाब आपका क्या होगा, आप समझ चुके होंगे। तो इर्गोनोमिक्स के लिए क्या जरूरी है, यह ध्यान रखिए, आवश्यक है कार्य और वर्कर के बीच कार्य करने का संबंध
जारी हो या चला रहा हो, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तब जाकर के आप इर्गोनोमिक्स टर्म्स का यूज करते हैं तो वह सही मायने में उचित होगा, अन्यथा बाकी जगह पे गलत साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कॉम्पिटेंसी का। अक्सर ये वर्ड भी काफ़ी प्रयोग किया जाएगा आपके फायर सेफ्टी जॉब के लिए और हेल्थ सेफ्टी जॉब के लिए भी, कहीं भी आप काम कर रहे हैं सेफ्टी से रिलेटेड, तो ये वर्ड आपको ज़रूर मिलेगा सुनने के लिए, कॉम्पिटेंसी। तो ये कॉम्पिटेंसी क्या होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्पिटेंसी का अर्थ योग्यता या क्षमता होता है, अर्थात किसी कार्य को करने में योग्य या क्षमता, किसी कार्य को करने में योग्य या क्षमता को ही कॉम्पिटेंसी कहते हैं, ठीक है। कॉम्पिटेंट से बना है कॉम्पिटेंसी। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं। ये एक बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जब कोई योग्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, क्षमता का किया जा रहा है, यहाँ योग्य शब्द का अर्थ यह है कि कार्य का अनुभव, यानी उस व्यक्ति को कार्य का अनुभव हो, हर पहलू की जानकारी हो, सब्जेक्ट नॉलेज हो, एक्सपर्ट नॉलेज हो। अगर ये सभी चीज़, ये सभी बातें, ये सभी गुण एक व्यक्ति के अंदर होगा तो उसे हम सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, कॉम्पिटेंसी कहेंगे या कॉम्पिटेंट पर्सन कहेंगे। अगर कॉम्पिटेंट पर्सन कहेंगे या कॉम्पिटेंसी कहेंगे, तो आप समझ गए कि कॉम्पिटेंसी का अर्थ क्या होता है। ध्यान रखना है आपको, सिर्फ ये शब्द याद रखना है, योग्यता और क्षमता होता है। लेकिन इस योग्यता और क्षमता में क्या शामिल है, उसका सब्जेक्ट नॉलेज शामिल है, उसका अनुभव शामिल है, उसका एक्सपर्ट नॉलेज शामिल है, उसके हर सिचुएशन की जानकारी इसमें शामिल है, और सबको मिलाकर ही हम कॉम्पिटेंसी बोलते हैं, तो वह सिचुएशन कॉम्पिटेंसी कहलाती है। अब बात करते हैं अगले टर्म की। एक शब्द अक्सर सुनने में आता है, फायर मार्शल और फायर वार्डन। एक ऐसा व्यक्ति जिसे आग के बारे में पूरी जानकारी हो और आग से सुरक्षा के लिए कोई निश्चित जिम्मेदारी दी गई हो, उस व्यक्ति को फायर मार्शल या फायर वार्डन कहा जाता है, ठीक है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आग के बारे में, यानी आग क्या है, इस किस तरीके का है, कैसे इस पे काबू पाएंगे, अगर आग से कोई नुकसान हो रहा है तो उस समय क्या करना है, यानी हर एक सिचुएशन की जानकारी उसको होती है। कहने का मतलब, इसे हम कह सकते हैं एक कॉम्पिटेंट पर्सन, क्या कह सकते हैं, एक कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, यानी उसे पूरी जानकारी है। तो यह शब्द यूज किया जाता है, फायर मार्शल या फायर वार्डन। अब फायर मार्शल या फायर वार्डन शब्द जो है अधिकतर यूके या यूएस देशों में प्रयोग किया जाता है, अक्सर वहाँ पे ये पोस्ट भी होता है फायर मार्शल का और फायर वार्डन का। जब भी आप बाहर के देशों में अगर फायर सेफ्टी का काम करने का आपको मौका मिलेगा, लाइक अमेरिका में, न्यूयॉर्क में अगर काम मिलता है, यानी यूके यूएस के देशों में, या कुछ और भी कंट्रीज है जहाँ पे अब यूज होने लगा है फायर मार्शल और फायर वार्डन वर्ड, तो इसका मतलब होता है जहाँ पे, इसी फायर मार्शल को फायर सेफ्टी ऑफिसर भी कहा जाता है, फायर वार्डन को फायर सेफ्टी ऑफिसर, यानी कहीं फायर सेफ्टी ऑफिसर कहा जाता है, कहीं फायर मार्शल, कहीं फायर वार्डन। तो इससे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो आपको। अब बात कर लेते हैं अगले टर्म की, जो अधिकतर यूज किया जाता है, वर्क पैटर्न। वर्क पैटर्न अर्थात कार्य करने का तरीका। वर्क पैटर्न का मतलब क्या हुआ, वर्क पैटर्न अर्थात कार्य करने का तरीका। किसी भी कंपनी में कार्य करने के लिए समय के साथ साथ तरीकों का निर्धारण किया गया हो, उसे वर्क पैटर्न कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि हर कंपनी में कंपनी का एक रूल होता है जिसे आप पॉलिसी बोलते हैं, और उस पॉलिसी के रूल के अनुसार वहाँ शिफ्ट होते हैं। अक्सर सुना होगा आपने, डे शिफ्ट है, हमारी ड्यूटी डे शिफ्ट है, अगले की ड्यूटी जो है नाइट शिफ्ट है। तो इस तरह के शिफ्ट वाइज, यानी किसी का निश्चित कार्य को करने के लिए निश्चित समय का निर्धारण और कार्य करने का तरीका, ये इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, वर्क पैटर्न कहा जाता है। आई होप कि इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। डेयर स्टूडेंट, यदि आप भी फायर सेफ्टी जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं या कोर्स करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन फायर सेफ्टी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है SST इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आपको बेस्ट ट्रेनिंग के साथ साथ सभी गाइडेंस आपको मिलते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाता है। आपके समय की बचत भी होती है और पैसे की बचत भी होती है। अब बात करते हैं अगले टर्म्स की। अगला टर्म्स क्या हमारा, जॉब फैक्टर्स। अब जॉब फैक्टर्स टर्म का यूज कब किया जाता है, इसको हम जान लेते हैं। ऐसे तथ्य जो किसी भी नौकरी से संबंधित हो,
सकारात्मक व नकारात्मक स्वभाव कारक, यानी वह तथ्य कौन सा होना चाहिए, सकारात्मक या नकारात्मक स्वभाव कारक, चाहे आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड हो या नेगेटिव एटीट्यूड हो, ठीक है, वह सभी इसमें काउंट करता है। उसे हम क्या कहते हैं, सामूहिक रूप से जॉब फैक्टर्स कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति काम करता है तो दो ही उसके साथ उसके स्वभाव होंगे, या तो उसका बहुत बेहतर स्वभाव होगा जिसे हम पॉजिटिव बिहेवियर कहते हैं, या तो फिर कुछ गड़बड़ होगा तो उसे हम नेगेटिव बिहेवियर कहेंगे। तो ये सब मिला करके इसके लिए वर्ड जो यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, उस कारक के लिए, यानी उसके जो तथ्य हैं उसके लिए हम यूज करते हैं जॉब फैक्टर्स। अब जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कार्य के दौरान किसी व्यक्ति के रवैया, अब ये कन्फ्यूजन आपका और दूर कर देगा अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा होगा जॉब फैक्टर में। तो कार्य के दौरान किसी भी व्यक्ति का रवैया या एटीट्यूड एक प्रकार का जॉब फैक्टर है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, जॉब फैक्टर है। अब हम बात करते हैं आगे, लेवल ऑफ सुपरविजन। अक्सर ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, जब भी आप कोई रिपोर्ट बनाएंगे, जब भी आपको रिपोर्टिंग करनी होगी अपने सीनियर को, तो यह वर्ड आपको बार बार आपके सामने आएगा। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं, किसी भी कार्य की निगरानी के आपसी तरीकों को ही लेवल ऑफ सुपरविजन कहते हैं। जैसे फायर फाइटर फाइटिंग के लिए आवश्यक अभ्यास या ड्रिल बेस्ट लेवल ऑफ सुपरविजन को दर्शाता है। अब बात करते हैं अगले टर्म्स की, जिसे हम कहते हैं वर्कर मॉरल, ठीक है, वर्कर मॉरल। वर्कर मॉरल अर्थात कार्य करने वाले व्यक्ति का मनोबल की स्थिति। वर्कर मॉरल का मतलब क्या हुआ, यानी ड्यूरिंग द वर्क जब कोई व्यक्ति कार्य के दौरान कार्य करता है तो उसका मनोबल किस तरह का है, तो और स्थिति कार्य के अनुसार उसकी स्थिति पोजिशन क्या है, यह जानने के लिए हम क्या करते हैं, वर्कर मॉरल शब्द का यूज किया जाता है। तो सीधा सा आपका जवाब होगा, अगर कहीं वर्कर मॉरल का क्वेश्चन आ जाए कि वर्कर मॉरल क्या है, तो आपका जवाब होगा वर्कर मॉरल अर्थात कार्य करने वाले व्यक्ति का मनोबल की स्थिति कार्य के अनुसार, ठीक है, स्थिति वर्कर मॉरल कहलाती है। जैसे किसी कार्य को शुरू करने से पहले उचित ट्रेनिंग किसी भी वर्कर का मनोबल बढ़ाने में सहयोग करता है, लेकिन इसके विपरीत गतिविधि मनोबल को तोड़ने का कार्य करते हैं। इसीलिए इन दोनों को मिला करके, यानी यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को मिला करके एक वर्ड टर्म यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं वर्कर मॉरल। तो डियर स्टूडेंट, देखा आपने कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फायर सेफ्टी ऑफिसर जॉब के लिए। तो ये जानना हर एक व्यक्ति को, अगर बेहतर परफॉर्मेंस करना है, गुड प्रैक्टिस, तो ये हर एक चीज़ आपको जानना होगा, जिससे आपको दुनिया के किसी भी कोने में काम करना आसान हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ही इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।